तुम अच्छा खेलती हो। आज कुछ खास नहीं, और भी अच्छा खेलना है। अगला गेम कब है? नेक्स्ट वीक। डैड, मैं कपड़े बदल के आ जाऊं? हाँ जरूर जाओ। वो अभी गुस्से में है। कौन? मॉम। वेल, उसकी नजर में तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। उनको मुझे थोड़ी बहुत तो छूट देनी होगी डैड। तुम उसे समझ नहीं रही दिव्या, जहां से वो आई है वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहां पे अगर तुम्हारे उम्र की स्कूल में पढ़ने वाली कोई लड़की अपने माँ बाप से अलग होकर रहना चाहे तो उसे बागी माना जाएगा, वो ये सोच ही नहीं सकती। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यहां स्टेट्स में मैं भी अकेला रहना चाहता था और आया भी, लेकिन जब वही बात मैंने अपनी बेटी के मुंह से सुनी तो मैं चौंक गया। हमें थोड़ा वक्त तो देवी, मैं ज्यादा तो नहीं मांग रहा ना, और तुम्हारे कॉलेज के बारे में भी। मैं जानती हूं आप मुझे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं डैड, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती, मुझे वक्त चाहिए। पहले मैं काम करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। वेल देवी, तुम अभी कॉलेज नहीं जाना चाहती तो ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी राय से सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज जाओ और बड़े ओहदे पर पहुंचो, बहुत बड़े, पर यह सब तुम अपनी मर्जी से करो। थैंक्स डैड। और रहा तुम्हारा अलग से रहना, पहले तुम कोई नौकरी हासिल करो फिर उसके बारे में सोचेंगे, ओके? हमें हालात से समझौता करने का वक्त हो दिव्या। डैड, क्या तुम घर पे खुश नहीं हो दिव्या? हम लोग इतने बुरे हैं क्या? आपसे परेशानी नहीं है डैड, लेकिन मॉम वो तो जब देखो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं कहां से आती हूँ और कहां जाती हूँ। मैं बच्ची बन के नहीं रहना चाहती डैड, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, जब मन करेगा तब घर आ जाऊंगी। और मैं ये नहीं चाहती कि वो दीवारों पे कान लगा के ये जासूसी करे कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या बातें करती हूँ। कोई मुझ पे जासूसी करे ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है, उन्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि वो तुम पर भरोसा नहीं करती, वो तुम्हें महफूज रखना चाहती है, और महफूज रखना कोई जुर्म तो नहीं, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई हो तो ये अच्छी बात है ना। मगर इतना भी ख्याल नहीं डैड, सभी चीजों को शक की निगाहों से देखती है वो, मैं तो तंग आ गई। मैं उससे बात करूंगा। और वो रोने लगेगी। गॉड डैड। उस पर इतना कठोर मत बनो दिव्या। और सुनो, तुम्हारे घर से अलग रहने की बात तुम्हारे पढ़ाई खत्म होने के बाद हम सोचेंगे, ओके? इज दैट अ डील? क्या मैं हाँ सुन रहा हूं या ना? शायद हाँ। ये!